नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है दोस्तों, एक्साइज कांस्टेबल के लिए। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बहुत सारी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, सैलरी भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है और फीस भी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितने सारी पोस्ट निकली है, कब तक अप्लाई करना है, फीस क्या लगने वाली है और सैलरी कितनी मिलने वाली है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। चलो मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकला हुआ ये नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स में इस नोटिफिकेशन के लिए, मतलब इस पद के लिए जो पद है एक्साइज कांस्टेबल, उस पद के लिए आपको यहाँ पे परीक्षा शुल्क के तौर पर सिर्फ 100 रुपीज़ लगने वाला है और उसमें भी छूट मिलेगी। अगर आप झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये फीस लगने वाली है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ मतलब 100 रुपये फी लगेगी। बाकी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे विवरण में देखते हैं। चलो देख सकते हैं आपके सामने ओपन है जो पोस्ट है, पोस्ट नेम क्या रहेगा तो उत्पाद सिपाही या उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संबल, मतलब एक्साइज कांस्टेबल की पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो आप देख सकते हैं अनारक्षित मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 237 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 148 पोस्ट निकल के आ चुकी है और अनुसूचित जाति के लिए 57 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वर्ग अनु 1 के लिए 50 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 32 पोस्ट है और आक व के लिए यहाँ पे 59 पोस्ट है। तो कुल मिला के 583 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है, उसमें से महिला के लिए 30 पोस्ट है, बाकी खिलाड़ियों के लिए 12 पोस्ट है और बाकी डिटेल्स में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इस तरह से निकली हुई ये भर्ती है दोस्तों। यहाँ पे डिटेल्स में आप देख सकते हैं जैसे कि इस पोस्ट के लिए आपको वेतनमान कितना मिलेगा, सैलरीज क्या मिलने वाली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पे लेवल मैट्रिक्स 2 के तहत आपको 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी और इसके लिए लगने वाली शैक्षणिक अर्हता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कितनी रहेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आप सिर्फ मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं पास है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि जो प्ले मतलब जो प्लेयर्स के लिए पोस्ट है उनके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता अगर आपने खेली है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी शारीरिक मापदंड क्या क्या लगने वाले हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल के लिए यहाँ पे शारीरिक मापदंड भी जरूरी होते हैं। जैसे कि आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपकी ऊंचाई मतलब आपकी हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका जो सीना है चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी हाइट जो है 155 सेंटीमीटर तक भी चल सकती है और जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर चलेगा। दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर है और चेस्ट 79 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए मतलब चेस्ट होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम है और महिला के लिए यहाँ पे न्यूनतम हाइट है 148 सेंटीमीटर, मतलब आपकी 148 सेंटीमीटर तक हाइट होनी जरूरी है, सीने का कोई माप नहीं होता। दोस्तों बाकी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपका जो एज लिमिट है वो कब से कब तक होना चाहिए, तो आपकी जो उम्र है वो 1/8/2022 को गिनी जाएगी और वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आप यहाँ पे देख सकते हो अनारक्षित एवं आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पे 25 साल दिया गया, मतलब 25 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पिछड़े अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग से हो तो आप यहाँ पे 27 साल तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप महिला कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे 28 साल तक अप्लाई कर सकते हो। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे पुरुष वर्ग के लिए 30 वर्ष तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से उम्र में भी छूट मिलने वाली है और इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी पात्रता क्या रहेगी, तो आपको सिर्फ 10वीं पास होना मैट्रिक होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास भी हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी की चीज़ें अगर आपका क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो भी आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर ले। दोस्तों आरक्षण के बारे में मैंने आपको बताया, उस हिसाब से आप चेक कर लीजिए। और आपको आरक्षण के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का, तो आपके पास होगा तो ही आप उस रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों बाकी की चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो ऑनलाइन तरीके से टोटली आपको आवेदन करना होगा, मतलब टोटली ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको स्कैन करके रखने होंगे, फोटोज सिग्नेचर और बाकी के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह
सारी चीज़ें आपको जो सर्टिफिकेट वगैरह रहते हैं, मार्कशीट रहती है, वो सारे स्कैन करके रखनी होगी। उसके बाद में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और आवेदन आप कब से कब तक करते हो, तो मैंने आपको बताया कितना दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आवेदन प्रविष्टि में अगर आपको संशोधन करना है तो भी, मतलब चेंज करना है तो भी, आप 2 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल तक आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने कुछ गलत डाला है तो आपको चेंज करने के लिए भी टाइम यहाँ पे मिल रहा है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने की जो तिथि है वो 25 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हो 26 मार्च 2022 तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और परीक्षा का शुल्क भुगतान करने के लिए भी आपको 29 मार्च 2022 तक आप यहाँ पे कर सकते हो, वहाँ तक की डेट आपको मिल गई है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण रहेगा, लिखित परीक्षा होगी, चिकित्सक जांच होगी, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपकी एग्ज़ाम होगी, और उसी के बाद में आपका यहाँ पे भर्ती हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स में चेक कर लीजिए, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर जाके सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए। दोस्तों जो रिटर्न एग्जाम होने वाली है उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, हिंदी भाषा का ज्ञान 80 प्रश्न के लिए रहेगा और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 40 प्रश्न के लिए रहेगा, मतलब कुल 120 प्रश्न रहेंगे और उसी के ऊपर आपको एग्ज़ाम होगी। और प्रश्न पत्र 2 में क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा का ज्ञान आपको पूछा जाएगा, जैसे कि उर्दू, संताली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़क, उराव, कुरमाली, खोरडा, नागपुरी, तो इस भाषा के ऊपर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, मतलब उसको सिर्फ आपको सिलेक्ट करना होगा। और पत्र क्रमांक 3 में, मतलब प्रश्न पत्र 3 में आपको सामान्य अध्ययन रहेगा 40 प्रश्न के लिए, और झारखंड राज्य से संबंधित जो भी है उसके लिए ऊपर 50 प्रश्न रहेंगे। बाकी सामान्य विज्ञान के लिए 20 प्रश्न रहेंगे और सामान्य गणित के लिए भी 10 प्रश्न रहेंगे। 120 प्रश्न का ये तीसरा प्रश्न पत्रिका रहेगी। और 3 में से 30% न्यूनतम अंक आपको प्राप्त करना होगा, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। तो इस तरह से आपको दिया गया सारी डिटेल्स है, आप ये पूरी जानकारी यहाँ पे पढ़ सकते हो, उसी के बाद में अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे वीडियो रहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में होते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊँ उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नए जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।